मैरवा के कुलहुआ दरगाह मदरसा में जांच करने पहुंचे बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज ने मदरसा में भारी अनियमितता पाई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मदरसे में एक ही परिवार के चार लोग पढ़ा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार सदर सऊदी अरब में है। यहां तक कि इस मदरसे के हेड मौलवी भी जांच का भनक लगने के बाद फरार हो गया था, लेकिन अपना गार्ड भेजकर उसको बुलाए, मदरसे का सारा कागजात देखे। यह मस्जिद है जिसमें 8x10 का रूम है। तुमको मैंने मना, भाई भतीजा तुम्हारा खानदान बैठ के मदरसा चलाएगा, ठीक, आप अपनी रुदात लिख करके दीजिए, हो गया कितना चल जाएगा, चलो और कल मेरी मौत हो जाएगी तो पेपर वो आपका चलता रहेगा, जिंदा रहेगा, हम रहें या ना रहें, आप उसको लिख कर। कुमार के दामन में जिस तरह से कोई धब्बा नहीं है, मेरी पूरी कोशिश है अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए कि मदरसा के मामले में मेरे दामन में भी धब्बा नहीं लगे। आप यकीन रखिए आपके साथ नाइंसाफी हुई होगी, मंगल से नहीं होगी, और परिवारवाद का चार आदमी एक साथ बीवी बच्चा ये सब नहीं चलेगा। अध्यक्ष भी सर उनके भाई हैं और वो सऊदी हैं, बताइए कैसे अध्यक्ष बन गए? अध्यक्ष पूछिए उनके, हाँ उनके भाई हैं, खास भाई है उसका छोटा, और वो सऊदी है अभी जी है। और वो अध्यक्ष बना हुआ है, चला रहा है, बताइए। अध्यक्ष जो है उनके खास भाई हैं छोटे जमशेद हैदर, उससे पहले जावेद हैदर थे जो सबसे बड़े भाई हैं इनके, वो मलमलिया में टीचर है जी जी। कहाँ पे है ये? सऊदी में है सर, लिविंग इन सऊदी जी अभी। हाँ जी। और सेक्रेटरी कौन था? सेक्रेटरी सर रफी अहमद है, 10 सालों से सर वही चलते आ रहे हैं। वो सर भरी होगा, पिछली बार भी सर भी आए तो भी छिप गया घर में, जब सर चले गए तब जाके। अब नहीं चलेगा, एक बार बोल के जा रहे हैं, हम जब तक रहेंगे नहीं। मदरसे इस्लामिया में क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, हम जिस दिन हमको माननीय नीतीश कुमार जी ने एक जिम्मेदारी दी कि आप जा कर के मदरसे को देखिए, आपको वहाँ भेजा जा रहा है, तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए और जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार के दामन में कोई धब्बा आज तक नहीं लगा सका, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो या कोई भी हो, अपने ईमान पे खड़े रहे, अपने ईमानदारी पे खड़े रहे, मैं उन्हीं के रास्ते पे चल करके हम अपना काम करते हैं। आज जिस मदरसे की आप बात करें, आज तीसरा चौथा मदरसा, इस मदरसे में परिवार के चार लोग जो है पढ़ा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस मदरसे में कुरान की बेहुरमती हो रही है। जो मदरसे के सदर सेक्रेटरी हैं, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि सदर सऊदी अरब में है, सेक्रेटरी गायब है, यहाँ तक कि यहाँ का हेड मुदर्रिस भी भाग गया था सुन करके कि भाई सलीम साहब आ रहे हैं या चेयरमैन साहब आ रहे हैं, उसको हम फोर्स भेज करके अपने गार्ड को और बुलवाए और सारा कागज देखे। ये मस्जिद में मदरसा का काम है जिसमें एक 8x10 का रूम है, उसके ऊपर 8x10 का रूम है, इसी में मदरसा चल रहा है। मैं मदरसा बोर्ड में पहुँचने के साथ इनके फाइल को देखूँगा, और ये लोग कोई पढ़ाने लिखाने के चक्कर में नहीं है, मैं जो सच बात है वो बोलूँगा, जब तक रहूँगा मैं ईमानदारी के साथ रहूँगा। हम इसकी जांच कर लिए हैं और इसकी प्रतिवेदन होगा। हेड मुदर्रिस को भी मैंने बुलवाया है, प्रेसिडेंट अभी आउट ऑफ कंट्री है, सेक्रेटरी को भी बुलवाया है, ग्रामीण के भी जो लोग हमारे जो इसके लिए मदरसा खुला गया है ग्रामीण के लिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने इसलिए मदरसा को अपलिफ्ट किया, अपग्रेड किया कि हम इनके बच्चे अक्लियत के लोग जो मुस्लिम लोग हैं वो कुरान दीन का तालीम करें। ना इस मौलवी को दीन का पता है, ना कुरान के बारे में पता है, ये सिर्फ कागज पे अपना मदरसा जी। मैरवा के आप तीन जगह पे गए थे, बिलालगंज भी गए हुए थे और मैरवा प्रॉपर स्टेशन के पास मदरसे में गए थे, वहाँ पे क्या कुछ लगा? वहाँ पर तो एक कमरा है बोसीदा जिसमें कोई रास्ता जाने का नहीं है, एक कमरा है और तीन बच्चे हैं वो भी बाहर के हैं। मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ कि किस तरह से ये लोग सरकार के आँख में धूल झोंकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पहले छपरा सिवान गोपालगंज को देख लूँ, फिर मैं 10 दिन अपना सीमांचल और मिथिलांचल। ऐसे मदरसों पे क्या करेंगे आप? कार्रवाई करेंगे, वेतन रोकेंगे, एफिलिएशन को रोकेंगे, जो हमारे हाथ में पावर मिला है मैं उस हिसाब से काम करूँगा, कानून के दायरे में और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। इस तरह से मदरसा ये लोग चलाएंगे। एक महिला है जिसको लिखने नहीं आता है, जो यहाँ ग्रामीण लोग बोले कि वो आती नहीं है,
तो ग्रामीण भी अपना हलफ देंगे। मदरसा तो ग्रामीण के लिए बना है ना। अब यहाँ पर जो मदरसा है ये हमीदिया, अब यहाँ से मदरसा इस्लामिया हमीदिया जो है, अब यहाँ से बाहर का जो लोग आके पढ़े और घर का बच्चा जो है वो नहीं पढ़े, तो ये तो मामला ठीक नहीं ना है। इसलिए मैं आज हम हर सैटरडे संडे और पटना में भी हम वीकडेज में भी घूमते हैं जी। हमारा काम ही है, हमको लगाया गया इसी काम में। अब हम कितना हम सबसे लो पाएंगे ये अल्लाह को बेहतर मालूम है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा और जिले के पदाधिकारी के द्वारा जांच किया गया, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई इस पर। भाई मैं तो आपको अभी बताया हूँ कि 27/25/7/2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नोटिफिकेशन किया। 27 तारीख से हम पदभार ले लिए, उस दिन से मैं सफ़र में हूँ। और अब मैं लौटने के बाद मैं डीओ और बीडीओ को भी मैं पूछूंगा उससे कि किस बना पे आपने एप्लीकेशन दिया, क्यों नहीं इनका एप्लीकेशन इमीडिएट रद्द किया जाए। परिवार के 4 सदस्य एक साथ स्कूल में बैठ करके चला रहे हैं और ग्रामीण को प्रताड़ित कर रहे हैं, ग्रामीण को धमका रहे हैं। और जैसा कि ग्रामीणों ने बोला कि हम सिवान और पटना में पैसे दे करके मैं अपना काम चलाऊँगा, मदरसा चलाऊँगा, तो सलीम परवेज जब तक रहेगा इस धरती पे कोई नहीं है जो उसको पैसा से खरीदे। बिल्कुल, शुक्रिया।